ये आपका जो फ्राई पैन है ना दरमियान से ये डूबा हो गया था। मैंने ऐसा किया हुआ। नहीं, इसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। इसकी खूबसूरती होगी तो खुशबू होगी भाई जान। इसमें सबसे जो मजे की चीज मुझे लगी है ना वो ये कि इसमें प्याज का दाना साबुत है। अगर आपको इससे भी पैसे खत्म हो जाए ना और आपका दिल करे खुशबू लगाने का, उधर से घुसना और इधर से बाहर निकल जाना। ये इधर से घुस के दूसरी तरफ से बाहर निकल जाना, आपके कपड़ों से ऐसी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। ये 40 की है? हाँ जी, ये पिस्ता बादाम 60 रुपए। पिस्ता बादाम 60 की है। साइज एक ही है दोनों का? ये नहीं, नहीं भाई जज़ाकअल्लाह। नहीं भाई जज़ाकअल्लाह। खाए आप, कोई बात नहीं, हमारा भी काम यही है। आपसे मिलना चाहूँगा मैं भी, और आप भी ज़ाहिर है मुझसे मिलना चाहेंगे। कहाँ पे होगा, कैसे होगा, किस दिन होगा, किस जगह पे होगा, सब कुछ मैं अनाउंस करूँगा इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल के आइकन पर क्लिक कर दे ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सुपर लिया अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो। वंस अगेन मैं हूं साकिब मुबीन और मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर के अंदर। हम जिस दफ़ा कवर करने लगे हैं अंदरून लाहौर को, एक दफ़ा फिर से वो पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, और हिडन जेम्स एक्सप्लोर करेंगे अंदरून लाहौर के अंदर। और पहली बात यह कि हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, और 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी के अंदर हम 100 ईयर्स ओल्ड फूड कवर करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले थैंक यू एवरी वन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द फैमिली। फैंस नहीं होते, सब्सक्राइबर्स नहीं होते, फॉलोअर्स नहीं होते, वी आर फैमिली ऑफ 100K। अभी जो है ना इस वीडियो के अंदर हम एक खीर कवर करेंगे जो तकरीबन पाकिस्तान बनने से पहले की है। आपको 24 घंटे वो अवेलेबल होती है, सिर्फ छुट्टी के दिन जो है वो रात 11 बजे बंद करते हैं, वरना वो 24 घंटे खीर अवेलेबल है। अगर आप फजर से पहले खाना चाह रहे हैं या फजर के बाद खाना चाह रहे हैं, मगरिब से पहले खाना चाह रहे हैं, मगरिब के बाद खाना चाह रहे हैं, इवन ईशा से पहले या बाद किसी भी टाइम आप खाना चाह रहे हैं, आपको ये खीर मिल जाएगी। और सिर्फ 50 रुपये की हाफ प्लेट मिलती है इनकी, मतलब आप खा सकते, सस्ता है, मुश्किल काम नहीं है, महंगा भी नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे इंशाल्लाह शालमी के अंदर, वहाँ पे बाबा जी की कुल्फी है जो लाहौर की बहुत पुरानी कुल्फी शुमार की जाती है, वहाँ से बाबा जी की कुल्फी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम जाएंगे पापड़ मंडी के अंदर, पापड़ मंडी का जो एरिया है ज़्यादा फेमस है केमिकल्स की वजह से। यहाँ से आपको परफ्यूम्स मिलते हैं और बहुत सारे केमिकल्स यहाँ पर मिलते हैं। फिर यहाँ पर पंसारी की बहुत सारी दुकानें हैं, पंसार की जड़ी बूटियाँ, कोई भी अगर आपको मुरब्बा मुरब्बा चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। वहाँ पर जो है नीवी मस्जिद के बिल्कुल साथ एक पॉइंट है तकरीबन 107 साल पुराना, स्पेशल बीफ कबाब होते हैं, एक कढ़ाई होती है जो कबाबों की, वो कढ़ाई बनाते हैं। अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं खीर से। अच्छा जी, ये जो रोड आ रहा है ना, ये आ रहा है सामने उर्दू बाजार साइड से, जैसे आप मोची गेट क्रॉस करेंगे थोड़ा आगे आएंगे तो आपके आगे ये आएगी मस्जिद, और ये मस्जिद के बिल्कुल नीचे जो है यहाँ पे इस कॉर्नर के ऊपर ये पॉइंट है खीर वाला। आगे बता दूँ ये रोड सीधा जा रहा है स्टेशन की तरफ, एक मोरिया पुल की तरफ, और उस तरफ जो है ब्रांच रोड है। ब्रांच रोड पे नहीं जाना, हमने इस पॉइंट पे जाना है, अहमद खीर सेंटर इसका नाम है। यहाँ पे चलते हैं, मेरे पास ब्रांच के अंदर रखी हुई है, और ये खीर माशाल्लाह इतनी चल रही है कि यहाँ पे हर बंदा खड़ा हो गया खीर खीर खा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भजन। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये कितने की प्लेट है? ये 50 रुपये। 50 की है? वैसे कितने की होती है? फुल प्लेट भी होती है? पाव होती है, 100 रुपये की पाव। 100 रुपये की? 400 रुपये किलो है ये? 400 रुपये। ठीक है। ये दादाजी ने स्टार्ट की। आपके दादाजी ने क्या नाम था उनका? असल नाम उनका जो है ना वो नवाबदीन था, उनको बहू खीर वाला कहते थे। नवाबदीन था? अच्छा, और यहीं पे शुरू था सारा? हाँ जी, शुरू से ही है। ये छोटा सा खोखा यही है? यही है, शुरू से। सही है। अच्छा, 24 घंटे अवेलेबल है? 24 घंटे, ये छुट्टी वाले दिन होती है, रात को बंद 11 बजे। सुबह कब खोलते हैं? सुबह फजर के टाइम। फजर के टाइम खुलती है, ठीक हो। अच्छा, साल में कुछ दिन ऐसे आते हैं जिसमें ना जो दुकानदार होते हैं दूध वाले जो खास तौर पर होते हैं वो खीर बनाना बंद कर देते हैं, 2 महीने ऐसे होते हैं जी। तो कौन से 2 महीने होते हैं बता आपको? आम तौर पे दुकानों पे होता है, हमारा जो है ना काम ही जो जना आपका काम ही है तो आपने करना ही इसको, यही है हर साल सारा सीजन, कोई सीजन मतलब नहीं जाता। शादी वगैरह में भी देते हैं? शादी वगैरह तकरीबन जो ऑर्डर पे तैयार करके देते हैं हम। अच्छा, ये बड़ा मजे का काम है यार, ये आगे शादियाँ आ रही है आप कर सकते हैं। यार मुझे पता लगा इनके पास ना शुगर की दवाई फीस भी ही देते हैं, उसकी नुस्खा लेना चाह रहा है। नुस्खा भी देते हैं, दे देते हैं जो आके कहता है, जो मतलब दूर से लोग आते हैं उन्हें नुस्खा देते हैं। अगर आके टेस्ट कराना चाहे कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है कि नहीं है, तो टेस्ट भी करा सकता हूँ। नुस्खा और नुस्खा पड़ के उसमें कोई भी चीज़ जो है ना नुकसानदेह नहीं है। आमतौर पर हमने वो घर में वो चीज़ें इस्तेमाल, बादाम हो गए, इस तरह की मतलब बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा अच्छा, अरे पता नहीं क्यों पड़ा मैं ऐसे बैठ रहा हूँ, ऊँचा मैं थले ना जा पाऊँ, यहाँ पर डर लग रहा है, मैं कुर्सी पर बैठ रहा हूँ। ठीक है, खीर चेक करो पहले, ये देखो इसकी कंसिस्टेंसी माशाल्लाह बहुत कमाल की है, और
ये मलाई के साथ को ट्राई करते हैं इसकी पहली बाइट। बिस्मिल्लाह। होए यार माशाल्लाह बहुत कमाल की रहा। अच्छा इसकी ना सबसे मजे की बात बताऊँ आपको, यहाँ पे ना हर दूसरे मिनट में, हर तीसरे पाँचवें चौथे मिनट के अंदर जो है ना कोई ना कोई बंदा आकर यहाँ से खीर खा रहा है, और खीर है इतनी कमाल की, काम ही इनका खीर का है, और इतनी कमाल की मलाई चेक करो, पर इतनी गाढ़ी मलाई है, इतनी मोटी मलाई इसके ऊपर आई हुई है, ये देखो यार बहुत आला है माशाल्लाह, और बिल्कुल मुनासिब मीठा है इसके अंदर, बहुत फीका भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है, बहुत मुनासिब मकदार में इसके अंदर मिठाई उन्होंने डाला हुआ है, बहुत कमाल यार। अगर आपको कभी गुस्सा आ रहा हो ना खीर खा रहे हैं, ठंडा हो जाएगा गुस्सा यार, यहाँ से हमने खीर खा ली है, टोटल हमारा बिल बना 100 रुपये। अगर आप दोपहर के टाइम को अच्छा मीठा खाना चाह रहे हैं ना, खाने के बाद मीठा खाना चाह रहे हैं, तो आप खा सकते हैं। अच्छा एक बात बड़ी ज़्यादा फेमस निकलती है जी, बहुत ज़्यादा चलती है कि खाना खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है। मेरे इल्म के मुताबिक जो मैंने किसी आलिम से सुना था वो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा खाना खाने के बाद एक मरतबा खजूर खाई थी, और सिर्फ एक मरतबा हुआ था, इसको मामूल नहीं बनाया था। हाँ अलबत्ता खाने से पहले और खाने के बाद नमक चखना जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। तो ये जो है ना तहकीक कर लीजिएगा, और अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो आप मेरी कमेंट्स में जो है कमेंट करके मेरी जो है इसलाह कर सकते हैं, कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी यहाँ से हमने खीर खा लिया, खीर बहुत कमाल की थी, शादी वगैरह फंक्शन वगैरह आप लेना चाह रहे हैं दिन में किसी भी टाइम आपका दिल कर रहा है खीर खाने का, आप इसे खीर खा सकते हैं। अभी हम चलते हैं अगले पॉइंट पे जो कि है बाबा कुल्फी वाला। अच्छा जी अभी हम आ गए हैं शालमी के अंदर, बिल्कुल ये मेरे बैग पे सारा ये सारी आपको दुकानें शुकानें नज़र आ रही हैं, पंखे चंखे पूरे लाहौर का मतलब पूरे पंजाब का बल्कि पूरे पाकिस्तान में सामान यहाँ से आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, टोपियाँ हो गई, मोती छोती हो गए, कुछ भी सामान का आप नाम लें, अंदरून जो है ना वो हब है सारे तजारती मरकज, सारे तजारती मरकज़ है एक तरह से। अभी हम शालमी गेट के अंदर हैं, अभी हम यहाँ से जाएँगे बाबा कुल्फी वाले के पास, मेरे ख्याल पता नहीं कौन से वाली ओरिजिनल देखते हैं। तो ना शालमी का चौक है ये सारा, सामने जो है ये लाइट मार्केट है, आगे चले जाएंगे तो आगे डी प्लाजा और शालमी मेन शालमी आ जाएगा, और ये जो रोड है ना ये अंदर जा रहा है पापड़ मंडी की तरफ, ये आगे सारी पापड़ मंडी आ जाएगी। ये कोने पे भी एक शॉप है शालमी वाले कुल्फी वाले, मेरा ख्याल यही है शायद, ये बिल्कुल नीचे जो है कुल्फी की रेडी लगा के बैठे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना यहाँ पर भटूरे शटूरे भी चल रहे हैं माशाल्लाह, इनसे ही पूछ रहे थे कौन सी है। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल चाल? ये बाबा कुल्फी वाले यही है जो कॉर्नर पर बैठे हैं, ये रेडी वाले हैं? अच्छा चलिए इनके पास चलते हैं भाई। ये जो है ना यहाँ का रोज़ का मामूल है, यहाँ पे अगर आप बाइक लेके भी आ जाते हैं ना तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे भाई जान, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रही होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें लोग परचेज कर रहे होते हैं। एनीवेज ये जो है मेन चौक है जो शालमी का चौक बनता है, इस तरफ जो है स्टेशन है, इस तरफ उर्दू बाजार चौक से आप शालमी की तरफ आएँगे तो अंदर आगे आपके लेफ्ट पे ये कॉर्नर के ऊपर ये बैठे हुए हैं, ये पीछे ये छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या आपका नाम क्या जी? मोहम्मद फारूक साहब। ये जो है सेटअप मुझे बताएं कितना पुराना है ये सेटअप? ये तकरीबन 62 साल पुराना, 1960 का है। ठीक हो गया, ये जितनी भी ब्रांचेज हैं लाहौर के अंदर सारी इन्हीं की हैं, आपकी हैं? अपनी, टीमहाना चौक, टाउनशिप, मुस्लिम टाउन मोड़, पट्ठा चौक, सदर। 5 ब्रांचेज हैं जी? 5 ब्रांचेज हैं, 6-5। ठीक है। अच्छा ये कुल्फी है जी? हाँ जी, सही होगा। ये है ये सिंपल खोए वाली कुल्फी है और कुछ भी नहीं है? खोया दूध चीनी, खोया दूध चीनी, बस यही मलाई है, यही रेसिपी है सारी। सारा कुछ जो है ना इसी कंटेनर के, ये फ्रीज़र है पूरा, फ्रीज़र रखा हुआ इन्होंने। अच्छा टोटल मैं आपको बताऊँ, ये इनकी इतनी सारी ब्रांचेज है माशाल्लाह, लेकिन असल चीज़ ये है कि इन्होंने रेडी से स्टार्ट किया था और ये रेडी पे ही हैं अभी तक, यहाँ पे इनके पास यहाँ पे कोई प्रॉपर दुकान है ही नहीं। ये भाई ये है फ्रीज़र के अंदर वाला हाल। अच्छा कौन कौन सी कुल्फी होती है आपके पास, कितने कितने की है? 40 वाली, 60 वाली, पिस्ता बादाम। अच्छा सादे वाली 40 वाली। ये 40 की है? हाँ जी, ये पिस्ता बादाम 60 रुपये, पिस्ता बादाम 60 की है। साइज़ एक ही है दोनों का? नहीं, बड़ी छोटी है। अच्छा बड़ी छोटी है। इससे ज़्यादा फेमस कौन सी कुल्फी आपकी, 40 वाली है या 60? चलती ज़्यादा 40 वाली है, मगर स्पेशल कुल्फी ये है 60 वाली पिस्ता बादाम। अब हम कौन सी खाएँ, आपने कंट्रोल कर दिया पकड़, जो आप दिल आपका दिल कर, आप बताएं कौन सी खाएँ, जो आपका दिल माने, जो आप कहेंगे मैं वो खाऊंगा। ये तो आपकी तसल्ली की बात है, आपको जो अच्छा आप कहते हैं ये ज़्यादा अच्छी है आप ये खा लो, ये पिस्ता बादाम बात दे दें फिर। अच्छा ये प्लास्टिक के कवर के अंदर आती है? हाँ जी। अच्छा यहाँ बैठने की कोई जगह नहीं भाई, मैं उधर बैठ दूँ। ये दूध की बोतलें भी आपकी हैं? ये दूध है, रसमलाई है, खीर है। नहीं अभी तो दूध की बोतलें हैं ना इसके अंदर, वैसे रसमलाई और खीर भी होती है आपके पास? आपने यहाँ पे दुकान कोई नहीं बनाई? ये बना रहे हैं अब,
सेटअप कर अभी बना रहे हैं वो सेटअप की नहीं 60 साल से नहीं बनाई ना नहीं यार बहुत आला ये देखो सिंपल सी कुल्फी है लेकिन मजे की बात ये है खालिस खोया ये जो फ्लेवर है ना इसका वो खालिस खोए का फ्लेवर है बहुत आला चीज़ है यार माशाल्लाह ये भी नहीं फेमस कुल्फी खाएंगे कौन सी वाली खाएंगे पिस्ते वाली खाएंगे कि शादी वाली खाएंगे शादी वाली एक शादी कुल्फी दें ये नहीं नहीं बस जा कर लो नहीं बस जा कर लो खाएँ आप कोई बात नहीं हमारा भी काम यही है हमारा भी यही काम है अच्छा यार कुल्फी मैंने खाई है बहुत कमाल की कुल्फी है एक बार मैं बताऊँ ये जो इनकी 60 वाली कुल्फी है थोड़ी हैवी है मतलब उसमें बादाम और पिस्ते होते हैं वो थोड़ा हैवी हो जाता है पूरा मतलब नेक्स्ट लेवल का स्नैक बन जाता है लेकिन जो अगर आपने सिंपल कुल्फी खानी है तो वो ज़रा मीठे में आ जाएगा लाइक डिज़र्ट आ जाएगा तो आप सिंपल कुल्फी भी खा सकते हैं और एक और बात इन्होंने ये बताया कि इनकी कॉपी कोई नहीं बना सकता क्योंकि ये ब्रांड है ये रजिस्टर्ड है इस जिस जगह पे ये बाबा जी की तस्वीर लगी होगी ना वो ब्रांड वो ब्रांच इनकी ओरिजिनल है इसके अलावा जो इनकी ब्रांचेज हैं वो इनकी नहीं है मतलब जो इनकी है वो इनकी है ही नहीं समझ गए आगे अभी चलते हैं आगे खाना खाना भूख लग रही भाई यार भाई मुझे यहाँ पर मिले हैं और आपका नाम क्या हाफिज़ सज्जाद हाफिज़ सज्जाद यार यहाँ पे ना इतर लेने आए हैं आपने मुझे ना मेरा कॉलेज याद करा दिया जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ता था ना तो मैं कॉलेज से फ्री हो गया ना घर से 100-200 बचाता था वो लेके ना मैं 3-4 इतर यहाँ से लेके घर चलाया था जहाँ से इतर लेने आते हैं उनकी सेम शक्ल आपकी जैसी है अच्छा। आप उनके भाई तो नहीं है कहीं अच्छा जी यहाँ से हमने कुल्फी शुल्फी खा ली अब हम जा रहे हैं अंदर थोड़ा सा मैं आपको मार्केट दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद जो है ना अंदर जाकर उसे कबाब शबाब खाते हैं इस बाजार मैंने कहा यही नुकसान है यहाँ पे आगे बंदा ना पैदल भी फंस जाता ट्रैफिक के अंदर यहाँ पे भी कोई खाने का सेटअप चल रहा है अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है जी ठीक ठाक है आपने खाने की जगह छोड़ी हुई आप पहले मुझे लगता है आप वो मुझे लाइक करते हैं मैं भी आपको लाइक करता हूँ लेकिन पहले मुझे आपने कोई खाने की जगह छोड़ी है तो फिर मैं कैसे छोड़ सकता हूँ नहीं वो जदाक अलग खाए जदाक अलग जदाक अलग सही ये चिकन छोले हैं माशाल्लाह भाई के पास ठीक हो गया और ये टिक्की भी है शामी टिक्की है सही हो गया ठीक है बहुत शुक्रिया नहीं बहुत शुक्रिया जदाक अलग मैं खाना खाने जा रहा हूँ आगे ये है पापड़ मंडी की एंट्रेंस यहाँ पर आप जैसे एंटर होते हैं ना खुशबू है ओए 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 अगर आपके पास कभी पैसे खत्म हो जाए ना और आपका दिल करे खुशबू लगाने का उधर से घुसना और इधर से बाहर निकल जाना इधर से घुस के दूसरी तरफ से बाहर निकल जाना आपके कपड़ों से ऐसी खुशबू आना शुरू हो जाएगी मोटरसाइकिल बंद हो जाए बहुत शुक्रिया जी यार ये जो दुकान है ना यहाँ से मैं खुशबू लेता था अपने लिए भी आगे चलते हैं ये पापड़ मंडी है यहाँ पे ना दो चीज़ें मिलती हैं आपको यहाँ से एक तो पंसारी की चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ से एसेंस मिलेंगे ये चीज़ें और यहाँ से आपको खुशबुएं मिलेंगी ऑयल खुशबुओं के ऑयल वगैरह और ये डब्बियाँ शब्बियाँ भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी जो डब्बियाँ प्लास्टिक की होती है ना ये प्लास्टिक की डब्बियाँ शब्बियाँ ये भी यहाँ से मिल जाएंगी आप सिंगाड़े भी आ गए अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है भैया किस तरह दे रहे हैं सिंगाड़े 100 रुपये पाओ अच्छा ये कीचड़ में उगते हैं हाँ पानी में साफ़ पानी में उगते हैं मैंने सुना था कीचड़ में उगते हैं ये अच्छा भैया मैं जहाँ जा रहा हूँ ना ये पॉइंट जो है ना तकरीबन 107 साल पुराना है इनके पास बीफ कबाब होते हैं उन बीफ कबाबों को उनका कीमा बना के ये कढ़ाई के अंदर एक सॉस पैन जो भी इन्होंने रखे हुआ बर्तन अपना उस बर्तन के अंदर उसके अंदर मक्खन डालते हैं और अंडा डाल के वो कबाब बना के देते हैं आपको सालन बुरा बना के देते हैं 107 साल पुरानी दुकान है ये अब इसका रास्ता भी आपको समझा देता हूँ बाहर से मेन से भी आप आ सकते हैं अगर आप शालमी में आए तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं शालमी से जब आप आएंगे तो आपके पापड़ मंडी के अंदर तो जैसे खुशबू वाली दुकानें ख़त्म होंगी तो पंसारी की दुकानें शुरू हो जाएगी पंसारी की दुकानें ख़त्म होने के बाद आपने लेफ्ट मुड़ना है नहीं गली मुड़ जानी है ये बाहर मेन पे निकलती है मेन सर्कुलर रोड पे ये एरिया निकलता है और अगर आप आगे चले जाएंगे सीधा तो लोहारी आ जाएगा जब आप इस तरफ आते हैं ना ये रोड जो बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर एक मस्जिद है ये नीवी मस्जिद है ये इसको नीवी मस्जिद बोलते हैं नीवी मस्जिद को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सामने सरफेस पर नहीं है ये बेसमेंट में बनी हुई है मैं आपको आगे जाकर दिखाता हूँ थोड़ी सी ये देखो ये नीचे है मेरे से सारी ये यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के आप नीचे जाते हैं फिर जाके मस्जिद आती है सामने दिस इज़ नीवी मस्जिद ऑफ अंदरून लाहौर ये अंदरून की बहुत पुरानी मस्जिद है और बहुत ज़्यादा पुरानी मस्जिद है ये मेन एंट्रेंस है पापड़ मंडी की जैसे आप लोहारी से आगे आएंगे लोहारी के बाद और शालमी से पहले एक एंट्रेंस आती है पापड़ मंडी की वहाँ से आप एंटर होंगे नाला क्रॉस करके आगे आएंगे तो आपके लेफ्ट पे ये पॉइंट आएगा ये वाला और इससे आगे थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो आगे आ जाती है ये नीवी मस्जिद है आपकी 50 साल उम्र है माशाल्लाह एक टाइम था कि यहाँ राशनी खत्म होता अच्छा लेकिन अब जगह जगह हर एक के चटके आ गए लेकिन जो इनका जायका अच्छा जायका वैसे ही है
اچھا جی، یہ دکان کا نام ہے جی عمر عباس علی کو آپ شاپ، یہ ان کا مینیو ہے، ریٹس آپ خود ہی چیک کر لیں اس کے اوپر، اور یہ جو ہے نا پرانا نام اس کا یہ ہے۔ اچھا السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیا چل رہا جی؟ اللہ پاک کا شکر ہے۔ نام کیا جی آپ کا؟ علی عباس۔ علی عباس، علی بھائی یہ جو ہے یہاں پہ علی کباب شاپ لکھا ہوا ہے، اوپر علی حجیری کباب شاپ لکھا ہوا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ یہ دادا کے ماننے والے ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا صحیح صحیح صحیح۔ اچھا یہ کباب جی بیف کباب ہے؟ یہ بیف کباب، چکن کباب، مٹن کباب، چکن ٹکا، بیف ٹکا، چکن کڑھائی، بیف ٹکا کڑھائی، چکن قیمہ، بیف قیمہ، مٹن قیمہ، اتنا کچھ تو آپ کے مینیو پہ نہیں لکھا ہوا۔ اچھا آپ کو ایسے اسپیشل کوئی ہانڈی بناتے ہیں؟ ہاں جی، کباب فرائی کر کے بھی دیتے ہیں، بیف کے بھی، چکن کے بھی، مٹن کے بھی۔ اچھا زیادہ ٹیسٹ جو ہے وہ بیف کا ہی ہے۔ بیف کا ہی ہے؟ ہاں جی، فرائی کا۔ ہاں جی آپ ایسا کریں ہمارے لیے نا سمپل، آپ سے بیف کباب بھی ٹرائی کر لیتے ہیں اور اس کی یہ کڑھائی بھی ہمیں ہانڈی بھی بنا دیں، بن جاتی ہے۔ ادھر ایک پیسے کا کباب بکا ہوا ہے جی، ایک پیسے کا کباب بکا ہوا ہے۔ صرف بیف تھا شروع میں؟ بیف ہی، اس وقت بیف ہوتا تھا۔ گوشت ہم بھائی کسائی سے خود لے گئے تھے۔ اچھا کسائی کا تباہ نہیں کیے آج تک، جو اب میرے پاس سامان پڑا ہوا ہے اب کے ٹائم تک کسائی کا اعتبار کوئی نہیں ہے، خود لیتے ہیں جا کے۔ ہاں جی، کون سے حصے کا گوشت ہوتا ہے یہ؟ چام ران کا۔ ران کا؟ اچھا ران کا گوشت ہے۔ تو اس میں آپ چربی ڈالتے ہیں روغن ڈالتے ہیں؟ روغن، روغن ڈال۔ چربی ہوگی پورے بازار میں دھواں دھواں ہوگا۔ اچھا وہ آپ کے تالو کو بھی لگے گی۔ ٹھیک ہے، روغن جو ہے، روغن آپ کو مثلاً روغن میں کباب کی خوبصورتی لگ ہو جاتی ہے۔ کسائی کو پتہ ہے روغن ڈال کے دینا، وہ ہر کسی کو نہیں ڈال کے دیتے۔ آپ مانگیں گے آپ کو کہے گا دے دو 100 روپیہ، دے دو 150 روپیہ۔ ہاتھ کے ساتھ پیاز بنتا ہے۔ اچھا یہ پیاز اپنے ہاتھ سے بنایا ہے؟ ہاتھ کے ساتھ پیاز بنتا ہے۔ یہ پیاز کا دانا میں آپ کو چیک کرا، ہاتھ نہ جل جائے آپ کو، یہ دیکھ ہاتھ۔ اچھا ثابت ہے یہ؟ چھڑیوں کے ساتھ ایسے ایسے بریک کرتے ہیں، مشین میں نہیں ڈالتے، توڑے میں ڈال کے پھر اس کو گھما کے پانی نکال، پانی نکال لیتے۔ پیاز کا پانی نکال لیا ہوتا آپ نے؟ پانی نہ نکالا ہو کباب سیخ کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اچھا اس کی خوشبو بھی بڑی پیاری آ رہی ہے، اس کی خوبصورتی ہوگی تو خوشبو ہوگی بھائی جان۔ اس پہ آئل نہیں لگا رہے؟ روغن آئل نہیں ہے، یہ روغن ہے، صرف چکن کے اوپر روغن آئل لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیف پہ بھی نہیں لگتا، مٹن پہ بھی نہیں لگتا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ میری جان میں آپ کو یہ ٹیسٹ کرا رہا ہوں، یہ کھا کے یہ بھی لینا ساتھ ہی سارا کچھ۔ اچھا سلاد بھی ہے اور چٹنی بھی ہے؟ چٹنی بھی ہے، یہ چٹنی آپ کو سب جگہ سے ملے گی رہتے والی۔ ہاں جی، یہ چٹنی کوئی آپ کو بنا کے دکھائے، خالص پودینے والی چٹنی ہے؟ ہاں جی، پودینہ، اس کے اندر ہری مرچ ہے، سوکھی خرمانی ہے، اچھا دہی ہے، اچھا دھنیا ہے، دھنیا ہے۔ ہاں جی ہو گیا، یہ 7 آئٹم ڈال کے چٹنی بناتا ہوں۔ چٹنی بھی بہت اسپیشل ہے بھائی جان۔ یہ لو جی، یہ کباب آ گیا ہمارے پاس، اس میں مسالہ لگایا ہوا ہے، یہ نا میں سمپل ٹرائی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ چٹنی نیچے تک آ گئی ہے، یہ پانی پانی دھارا نیچے نکل گیا ہوا ہے اور یہ اس کا اوپر آ گیا ہوا ہے، یہ سارا دہی جو جس کا ہے پودینہ چغیرہ۔ اس میں سب سے جو مزے کی چیز مجھے لگی ہے نا وہ یہ کہ اس کے اندر پیاز کا دانا ثابت ہے، ہاتھ سے چاپ کیا ہوا ہے، اس کو ٹرائی کرتے ہیں بسم اللہ۔ اب بہت جوسی کباب ہے یار، ایسا لگ رہا ہے کباب کے اندر رس بھرا ہوا ہے انہوں نے یار، بہت زیادہ کباب ہے ماشاء اللہ۔ یہ دیکھو یہ جوسی چیک کرو یار آپ، اس لیے دیکھو یہ ایسے لگ رہا ہے پورا رس بھرا ہوا ہے، پورے سارا کباب کا اپنا جوس ہے یہ سارا۔ یہ دیکھو یار، یہ ہوتا ہے روغن، اگر آپ کھانا کھانے کا شوقین ہیں، کھانے کی سمجھ ہے آپ کو بھجن، یہ دس از روغن۔ کباب کا فلیور تو ہے ہی ہے، اس میں جو روغن ہے نا کباب کے اندر والے روغن کو نچوڑ کے سائڈ پہ کرتے ہیں اور ویسے اس کو پی لیں، اس میں بھی بہت کمال کا فلیور ہے۔ یہ یار چٹنی کے ساتھ کو ٹرائی کرتے ہیں، مسالہ بہت کمال چیز ہے یار۔ یہ سب سے مزے کی بات جو یہ بتا رہے ہیں کہ ہاتھوں سے خود تیار کی ہوئی چیزیں ہیں، چٹنی میں انہوں نے خود ہاتھ سے تیار کیا ہے، ساری چیزیں لے کے فریش لے کے خود پیستے ہیں، اس کو خود بناتے ہیں، اور یہ جو کباب ہے نا یار یہ تو بہت اینڈ لیول چیز ہے یار۔ یہ علی بھائی گھر کباب آپ کے ماشاء اللہ بہت مزے کے ہیں، وہ جو آپ کہتے ہیں نا روغن، وہ واقعی مطلب ایسے بندہ نچوڑ کے نا روغن الگ کر کے پی لے، وہ بھی بڑے مزے کا۔ میرے پاس کسٹمر آتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے ہمیں یہ دیں، روغن نچوڑ کے دیں؟ نہیں پلیٹ میں ڈال کے دیں۔ اچھا
अच्छा, जो चीज के शौकीन है वो मांगते हैं रोगन अलग से पक्का होता है कबाबों का, वो बीज में से होता है, वो गाग मांगते हैं हमें दे, वो नान के साथ खा लेते हैं। वाह कमाल ला रहे यार। कढ़ाई बनाए बीफ की सही बनेगी? बीफ की बना के बीफ की बना दे। चलो बीफ की बना दे आप। वैसे कबाब 60 रुपए का, कढ़ाई कितने की है? कढ़ाई 190 रुपए की। 190 रुपए की। इसमें कितने कबाब डालते हैं? दो कबाब अंडा, दो तीन कबाब अंडा 250। अच्छा पहले घी आएगा इसके अंदर। इसमें मक्खन नहीं डालते आप? मक्खन के साथ टमाटर अदरक हरी मिर्च नहीं बनते। अच्छा, वो सट जाता है, वो जल जाती है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये सारा कुछ डालना होता है। ठीक है चीज़ जी। टमाटर लाल नहीं है? आप बेफिक्र हैं, आपको टेस्ट आएगा भाई जान। ये मिर्चें आ गई, ये आ गया गरम मसाला, गरम मसाला, और ये जनाब इसके अंदर कबाब आ गए। ये आपका जो फ्राई पैन है ना, दरमियान से ये डूबा हो गया। खुद मैंने ऐसे किया हुआ है। देखो ये खोल। हाँ जी बेचारे को, जो मैंने खुद ऐसे ही खुद किया हुआ आपने। मैं शायद मार पड़ पड़ के बेचारे को, उसको मार बहुत पड़ती है, पड़ती है ना। हाँ जी ये देखे आप, उसको मार ही पड़ गई है। कहता मेरी जान छोड़ो, मैं उसकी जान नहीं छोड़ूंगा। ये भी मेरा करती तैयार किया हुआ स्पेशल मसाला कोई। हाँ जी। अच्छा ये खा के कुछ तजाबियत, कुछ जलन तो नहीं होती? अल्लाह के हुक्म से नहीं होगी, मैं इधर ही बैठा हूँ। इसका घी जो है वो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, गाय को नहीं डाल के देता। मौलवी साहब आपका क्या फ्राई करने है? साथ साथ ही आगे बैठ जाए। ये देख सकते हैं जो ऑयल है वो मैंने इसको ऐसे करके ना पीछे की तरफ कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा कोयले का सेक बड़ा वैसे होता है, कोयले में जो चीज़ पकती है उसका उसका टेस्ट ही अलग है। सही है। अच्छा यार यहाँ पर ना बैठने का जो सिस्टम है ना, वो ये कि दीवार की तरफ मुँह करके खाना पड़ता है। ये बड़ा मतलब मजलूमाना अंदाज है, लेकिन कोई बात नहीं, अंदरून है, छोटी सी दुकान है, 2 साल पुराना छठा बना यही चल रहा है और इसी में हमें बैठ के खाना पड़ा है। मतलब थोड़ी पुरानी पुरानी अकबर के ज़माने की वाइब्स आ रही है, लेकिन अकबर तो खैर 5 साल पहले आया था। एनी वेज अभी इसको ट्राई करते हैं। ये सिंपल सादा सा नान है, कंबल वाला नान है। इस तरह की चीज़ को खाने के लिए आपको कंबल वाला नान ही चाहिए होता है, वरना फिर आपको नान का फ्लेवर इतना स्ट्रॉन्ग आता है कि चीज़ का फ्लेवर नहीं आता। इसको भी ट्राई करते हैं। यार ये बहुत ज़्यादा भाई, रोगन कबाब के अंदर कमाल का रोगन था, और इसके अंदर उससे भी ज़्यादा कमाल का रोगन है। दिस इज़ द फर्स्ट बाइट ऑफ अली हजवेरी कबाब हाउस, 107 साल पुरानी दुकान। इसमें लाइव आ रहा था ज़रा सी मिर्ची तेज़ नहीं है, ज़रा सा भी नमक तेज़ नहीं है, कोई मसाला तेज़ नहीं है, बिल्कुल माइल्ड फ्लेवर है इतना कि असल में पता नहीं चल रहा। हालांकि सब कुछ इन्होंने हमारे सामने बनाया, लेकिन जो है ना इसका पता नहीं चल रहा कि उन्होंने क्या क्या डाला हुआ। ये होता है बैलेंस स्पाइसेस, इतने बैलेंस हैं कि असल एक एक चीज़ का फ्लेवर अलग अलग नहीं आता, एक ब्लेंडेड फ्लेवर आता है, एक मिक्सर आता है, एक हारमोनी सी फील होती है फ्लेवर्स की, और दिस इज़ अल्टीमेट यार। नाउ लेट्स टेक एन ऑप्टिमम बाइट ऑफ दिस कबाब। कढ़ाई ले आ गया, इसके ऊपर आएगी थोड़ी सी सैलड, और इसके ऊपर आएगा स्पेशल ये जो चटनी, और इसके ऊपर उन्होंने मसाला डाला हुआ ऑलरेडी, ये स्पेशल चटनी है। दिस इज़ द ऑप्टिमम बाइट ऑफ अली हजवेरी कबाब हाउस। अगर आप खाली कबाब खा रहे हैं, ठीक कबाब खा रहे हैं, तो चटनी के बगैर भी आपको मज़ा आएगा। चटनी उसमें एक ऐड ऑन है, वो फ्लेवर को इनहांस करती है। लेकिन अगर आप ये कढ़ाई खा रहे हैं ना, तो चटनी और इसका कॉम्बिनेशन बहुत कमाल का, ये दोनों मिलके एक चीज़ परफेक्ट देती है, एक आपको परफेक्शन देती है, एक ऑप्टिमम बाइट बनती है जब आप इन दोनों चीज़ों को मिला के खाते हैं। चटनी बहुत ज़रूरी है इसके लिए भाई यार। अच्छा जी वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, बहुत मज़े का था यार अली भाई, बहुत मज़ा आया हमें, बहुत बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। और ये वही उम्मीद है, वही टेस्ट होगा जो आपके पुरदादा पुरखों से चलता हुआ आ रहा है। मेरे कस्टमरों ने बोला ना, हाँ वो बिल्कुल, वो हमें पता लग गया, खा के पता लग गया क्या चीज़ है। माशाल्लाह यार बहुत अला टेस्ट है इसका, और बहुत ही लाइट, बहुत माइल्ड फ्लेवर है, बहुत एक मिक्सचर, एक अच्छा सा ब्लेंडेड फ्लेवर है। सारे मसालों का पता नहीं चल रहा कौन कौन से मसाले इन्होंने डाले, अगर मैंने ना देखे होते तो मुझे पता नहीं चल रहा था इन्होंने क्या क्या डाला। तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, आपसे मुलाकात करनी अच्छी लग रही वीडियो के अंदर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल के आइकन पे क्लिक कर दे, ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दिस इज माय इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आपसे गपशप होती है, मुलाकात होती है, और वी आर गोइंग टू हैव अ मीटअप ऑफ 100K सब्सक्राइबर। हम 100K सब्सक्राइबर्स की खुशी के अंदर एक मीटअप रख रहे हैं, आपसे मिलना चाहूँगा मैं भी, और आप भी ज़ाहिर है मुझसे मिलना चाहेंगे। कहाँ पे होगा, कैसे होगा, किस दिन होगा, किस जगह पे होगा, सब कुछ मैं अनाउंस करूँगा इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, और इंस्टाग्राम पे भी मैं अनाउंस कर दूँगा। डू कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपने अपनी ज़ुबान का टेस्ट है, जो गाग चीज़ मांगता वो हम दे देते हैं।